हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानूप्रीत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि सानूप्रीत के फादर को इस बात के लिए मना लेती है कि वो उसे उसके दोस्त की शादी में जान दे, लेकिन कंडीशन ये होती है कि सानू को भी उसके साथ जाना था, जिस बात के लिए सानू भी मान जाती है। और उसी रात को सानू से बात करते हुए प्रीत होती है और बीच में सो जाती है। तो सानू जब उससे कहती है तो प्रीत कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और इन दोनों के बीच में छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी नोकझोंक भी हो रही होती है। और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब प्रीत को सानू के साथ अपने दोस्त के वहाँ जाना होता है। उस दिन मॉर्निंग में प्रीत जो होती है वो सानू से कहती है कि थोड़ा काम है मार्केट में, फ्री होके चले क्या? सानू पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में उसे हाँ करनी पड़ जाती है। प्रीत सानू को बड़ा परेशान कर रही होती है, लेकिन उसके बाद प्रीत अपने कॉलेज और सानू जो होती है वो अपने ऑफिस चली जाती है। आफ्टरनून में वो प्रीत के पास कॉल करती है लमसम 1:30 के आसपास। हेलो प्रीत, कहाँ हो तुम? तो प्रीत उसे कहती है कि मैं तो घर आऊँ। तो सानू कहते घर हो या तुम तो कॉलेज गई थी ना, कॉलेज से फिर घर? तो प्रीत बोलती है वो क्या ना कि जाना था तो मैंने सोचा कि मैं पैकिंग पहले कर लेती हूँ ताकि कुछ रह ना जाए मेरा, इसलिए मैं आज जल्दी घर आ गई। तो सानू कहती यार पहले बता देती ना तुम मुझे ये बात। खैर ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से मार्केट की साइड आ जाओ, मैं भी वहीं आ रही हूँ। तो प्रीत कहती मैं मार्केट की साइड? अब यार मैं कैसे आऊँगी? तो सानू कहती यार मुझे कैसे पता कि कैसे होगी, जैसे हमेशा आती हो वैसे आ जाओ ना मार्केट की साइड, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार कर रही हूँ। प्रीत मैं वहाँ पे आऊँगी, तुम्हें लेके जाऊँगी, फिर मार्केट आएंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा, मैं सीधे पूछूँ तुम भी डायरेक्ट वहीं आओ। तो प्रीत कहती नहीं यार ऐसे थोड़ी ना होता है यार मुझे तो। तो सानू कहती क्या मुझे? तो प्रीत कहती यार प्लीज़ ना आ जाओ ना प्रीत, हमारा डबल टाइम वेस्ट होगा यार, मैं तुम्हें लेने आऊँगी फिर हम दोनों आएँगे। तो प्रीत कहती यार प्लीज़। तो सानू जो है वो उसे मना नहीं कर पाती, ठीक है आ रही हूँ मैं तुम्हें लेने के लिए, लेकिन रुकूंगी नहीं, रेडी रहना घर के बाहर आ जाना चुपचाप से। तो प्रीत कहती ओके डन। तो उसके बाद सानू जो होती है वो वहाँ मतलब प्रीत के घर के बाहर जाती है और खुद के घर के बाहर भी जहाँ पर उसकी मामा होती है। तो सानू को देख के थोड़ा सा शौक होती है कि दोपहर को इस वक्त ये यहाँ क्या कर रही है। तो सानू के पास जाती है, सानू सब फ़ोन में कुछ काम कर रही होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम यहाँ पे क्या हुआ? तो सानू कहती कुछ नहीं मम्मा, वो प्रीत के लिए आई थी, उससे मार्केट कुछ काम था। तो उसकी मम्मी बोलते ओहो बेटा, हमारे लिए आपसे कभी नहीं आया गया है, ना ही कभी मार्केट चला गया, इनफैक्ट आपके कपड़े भी मुझे लाने पड़ते हैं और आप उसके साथ मार्केट जाओगे, बहुत सही है। तो सन कहते अरे मम्मा मैं भी तो उसे यही कह रही थी ना कि आपको ले जाइए, अपनी मम्मा को ले जाए, अपने दोस्त को ले जाए, नहीं साथ चलना है। अरे पता नहीं मम्मी कैसी जिद है इसकी भी, ऊपर से वहाँ जाकर के मुझसे ये पूछती है कि ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, अच्छा इसका कपड़ा सही है, उसका कपड़ा सही है। अरे मैंने कभी ये कपड़े नहीं खरीदे, मुझे नहीं आइडिया है, फिर भी जानबूझ करके कभी कहती है बार्गेनिंग करो, पता नहीं ये क्या लड़की है। तो सान की मम्मा जो है वो थोड़ा सा हंसी होती है। तो सान कहती है मम्मा आप हंस रहे हो, सच में इसकी बातों के ऊपर ना हंसना चाहिए। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं मैं इस बात पर नहीं हंस रही हूँ, मैं तो सिर्फ इस बात पर हंस रही हूँ कि मेरी बेटी को चेंज कर रही है, वो जो काम मैं इतने साल में नहीं कर पाई वो करने में लगी हुई है। अच्छा है अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो सानू कहती क्या मामा आप मुझे सुना रहे हो? तो उसकी मम्मी कहती अरे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ एक काम करो ना खुद के लिए भी कुछ ले आना। तो सानू कहती है मामा आप ही ले आना ना, मैं कुछ नहीं लाने वाली हूँ। लेकिन इतने में प्रीत वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि क्या आंटी क्या लाना है? तो उसकी मम्मी बोलती कुछ नहीं, मैं तो बस इससे कह रही थी कि मार्केट जा रही हो तो खुद के लिए भी कुछ ले आना। तो प्रीत कहती है कि ओके आंटी मैं दिला दूँगी इन्हें। तो सानू कहती है ओ हेलो कोई जरूरत नहीं आई मम, मुझे कुछ लेना नहीं है और प्लीज़ तुम कुछ दिला दियो। तो प्लीज़ भी हाँ ठीक है चले चले चले, लेट नहीं हो रहा अब, लेट नहीं हो रहा? तो सानू कहती हाँ अरे बहुत लेट हो रहा है, तुमने आने में इतनी देर लगा दी, चलो अब जल्दी। तो उसके बाद सानू प्रीत जो होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रास्ते में प्रीत जो होती है वो सानू से शिकायतें कर रही होती है। तो सानू कहती तुम्हारी कभी शिकायतें ख़त्म क्यों नहीं होती है प्रीत? तो प्रीत कहती क्योंकि आप मेरी बात नहीं मानते हो सानू। तो सानू कहती कौन सी बात नहीं मानी, तुमने बुलाया मैं आ तो गई। तो प्रीत यार एक काम कर देना यार, गाड़ी से आ जाते हैं, आपको पता है ना मुझे स्कूटी पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, धूप लगती है सानू। तो सानू कहती वाह बहुत धूप हो रही है ना तुम्हें, बहुत धूप लग रही है। तो प्रीत और नहीं तो क्या, पता है यार मैं ना एक काम करते हैं हमारे यहाँ से किसी ऑटो रिक्शा को ले लेते हैं, वो भी सही रहेगा, छत कम से कम ढकी तो रहेगी यार, मुझे बहुत धूप लगती है सानू। तो सानू कहती अरे यार अब तुम क्या ये चाहती हो कि पापा के पास जाकर के पहले उनकी गाड़ी लेकर के आऊँ उसके बाद? तो प्रीत कहती है ऐसा कर लो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यार एक काम करो ना अंकल से ना चेंज कर लो, स्कूटी उनको दे दो गाड़ी तुम ले लो। तो सानू रहती है वो गाड़ी रोक के एक मारूंगी ना मैं तुमको, उल्टी शिक्षा मत दिया करो मुझे। तो प्रीत कहती
पता नहीं कौन सी शिक्षा दे रही हूँ, मुझसे धूप में नहीं रहा जाता, मुझे धूप लगती है यार। मैं इस वजह ना पापा से भी कहती हूँ कि जब मैं साथ में जाऊँ ना तो कोई ज़रूरत नहीं आ रही आपको बाइक से जाने की। और ये है, आप तो मेरा प्यार हो, आपसे तो हक जता के कहूँगी, 10 बार कहूँगी। तो सन कहती, अच्छा ठीक है ना, ठीक है नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगी। तो भी नेक्स्ट टाइम क्या, रोज़ कॉलेज छोड़ने जाते हो तब ध्यान रखो? तो सन कहती है, तुम पागल हो चुकी हो, सच में पागल हो चुकी हो तुम। तो प्लीज़, अरे यार ठीक है, लेट नहीं हो रहा ना आपको, हम बातें करेंगे। तो सन कहते, नहीं हो रहा है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो मार्केट चले जाते हैं, और वहाँ पे प्रीत जो होती है वो शॉपिंग कर रही होती है, पर शॉपिंग कहाँ, वो तो इधर से उधर घूम रही होती है, क्योंकि आधे घंटे तक उसने बहुत कपड़े देखे पर उसे कुछ पसंद नहीं आया होता। वहाँ पे सानू का बीपी जो है वो बढ़ रहा होता है, यार इतनी देर हो गई, इसे कुछ लेना नहीं है, मुझे घुमा क्यों लिया इतना। तो फाइनली वो प्रीत से कहती है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं लेना है तो हम घर जा सकते हैं, आधा घंटा हो गया तुम्हें यहाँ से वहाँ घूम रही हो, इस दुकान का भी उस दुकान, कुछ पसंद आ रहा है तुम्हें? तो प्रीत कहती है, यार जब पसंद ही नहीं आ रहा तो मैं क्यों खरीदूँ, नहीं आ रहा मुझे कुछ पसंद, कोई ढंग की सी शॉप बता दो। तो सन कहती है, यार मैं कहाँ से बताऊँ, मैं बड़े कपड़े लेके आती हूँ। तो प्रीत कहते, फिर? तो सन कहती, मम्मा लेके आती है, रुको यार मम्मी से पूछती हूँ। तो उसके बाद सन जो होती है वो अपनी मम्मी से कॉल करके पूछती है कि मम कोई शॉप बताओ इस पागल के लिए। तो उसकी मम्मी जो है वो एक शॉप बताती है, और वो दोनों वहाँ पर चल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे भी प्रीत को कुछ ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं आ रहा होता। तो सानू कहती, देखो प्रीत लेना है तो यही ले लो। तो प्रीत कहती है, मैं को एक चीज़ बताइए, आपको इनमें से कुछ पसंद नहीं आ रहा, बता नहीं सकते हो? चलो मैं कन्फ्यूज़ हूँ, आप थोड़ी ना कन्फ्यूज़ हो, कुछ तो बता दो। तो सानू कहती है, ठीक है हम कपड़े देखते हैं। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो कपड़े देखते हैं, और फाइनली सानू को एक ड्रेस पसंद आती है, और प्रीत से कहती है कि इसे ट्राई करो। तो जब प्रीत उसे ट्राई करके आती, कहती यार इतनी अच्छी तो नहीं लग रही है। तो सानू कहती है, वेट मिरर के सामने हो और अब सोचो, तुम इस लुक में नहीं, तुम्हारे बाल खुले हुए हैं, कानों में इयररिंग्स है और आंखों में काजल, तुम पूरी तरीके से रेडी हो। और उसके बाद इस ड्रेस को अपने उस लुक में इमेजिन करो, क्या लग रहा है, ये ड्रेस बेकार है? तो प्रीत होती है वो आंखें बंद करके खुद को सोच रही होती, कहती है नहीं ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। तो सन कहती है, फिर इसे पैक करा ले। तो प्रीत, हाँ पैक करा लो। तो उसके बाद सन होती है वो ड्रेस फाइनल कर देती है। तो प्रीत कहती है, एक और। तो सन कहती है, प्रीत लेनी ज़रूरी है? तो प्रीत कहती है, हाँ लेनी ज़रूरी है, मुझे तो पता ही नहीं था आपको इतने अच्छे तरीके से सिलेक्ट करवाना आता है, मैं सोच रही हूँ एक दो ले ही जाऊँ। तो सन कहती, देखो आज नहीं फिर कभी, फिर कभी पक्का दिला दूंगी। तो प्रीत कहती, नहीं नहीं यार प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक ड्रेस ओनली वन। तो सन कहती, ठीक है करो पसंद। तो प्रीत बोलती, मैं नहीं आप। तो सन, यार मैं यार। तो उसके बाद सन होती है वो दोबारा से कोई ड्रेस देखती है, और वहाँ पे उसे एक ड्रेस पसंद आती है। तो प्रीत से कहती है, इसे फाइनल कर लो। तो प्रीत कहती है, अरे ट्राई तो करने दो। तो सन कहती है, देखो मैंने कहा ना ये बहुत ड्रेस अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हें ट्राई करना है तो तुम कर सकती हो। तो प्रीत बोलती है, नहीं, अगर कहा है तो अच्छा ही होगा, और पसंद किया है तो बहुत सुंदर ही होगा, फाइनल है। अब अगर तुम्हारी शॉपिंग हो गई हो प्रीत तो चले। तो प्रीत कहती, ओके नहीं, एक रह रहा है, एक रह रहा है। तो सन कहती, अब क्या? तो प्रीत कहती, एक एक कुर्ती और पसंद करो ना आप। तो सन जो होती है वो वहाँ पे एक कुर्ती और पसंद कर लेती है। तो प्रीत कहती, बस अब एक बार आप इसे मिरर में ट्राई करो, मुझे देखने दो ना कितने सुंदर लगते हो। तो सन कहती, पागल हो तुम मेरे लिए ले रही हो? तो प्रीत कहते, हाँ आप ही के लिए ले रही हूँ यार, मैं मेरे लिए थोड़ी ना लेने वाली हूँ, मुझे तो वैसे भी पता है मेरी शॉपिंग तो हो चुकी है, और आपको तो ये हैवी वर्क में बिल्कुल पसंद नहीं आती, आपको जितना सिंपल मिले उतने ज़्यादा खुश रहते हो, तो ये सिंपल भी है और गर्लिश लुक में भी है तो पसंद आएगी, अब ट्राई करो ना यार, क्या इतनी बातें सुन रहे हो? तो सन कहती, यार। तो भी कहती, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो सन कहती, ओके कर रही हूँ। और इसके बाद इन दोनों की जो ड्रेस होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो प्रीत कहती है कि यार उन्होंने कहा है कि वो रेडी कर देंगे 1 घंटे में। सानू, 1 घंटे तक हम दोनों? तो सन कहती, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए काफ़ी लेट हो चुकी हूँ प्रीत प्लीज़। तो प्रीत कहती, सानू। तो सन कहती, नो समझा करो यार, मैं मान जाती हूँ ना, मान ली ना मैं तुम्हारी बातों को, लेकिन अब तुम भी कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करो। तो प्रीत कहती, फिर मैं यहाँ अकेले रहूँगी? तो सन कहती, अब अच्छा एक काम करते हैं, तुम अभी मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो, एंड उसके बाद यहाँ पे आना, अपनी ड्रेसेस लेना और घर निकल जाना, ओके?
तो बी कहती यार मैं आपके ऑफिस में क्या करूँगी और मेरा वहाँ पे क्या काम है। तो सनी बोलते तो हाँ तो तुम्हें ये लगता है मैं तुम्हें यहाँ बीच रास्ते में छोड़ करके चली जाऊँ? देखो ऐसा तो हो नहीं सकता, तुम अभी मेरे साथ चलो एंड आ जाना फिर बाद में। सो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो सनू के ऑफिस निकल जाते हैं। वहाँ पे सनू जो होती है वो अपने कैबिन में अपना काम कर रही होती है और प्रीत उसी के साथ बैठी होती है, लेकिन वो वहाँ की चीज़ों को देख रही होती है। तो सनू कहती क्या हुआ क्या देख रही हो? तो प्रीत कहती कुछ नहीं बस यही देख रही हूँ कि आपके मम्मी पापा की तस्वीर है मेरी नहीं है। तो सनू कहती है मतलब? तो प्रीत और तो क्या वैसे भी यहाँ देखो ना आपके डेस्क पे आपकी मम्मा और पापा की है, मैं नहीं हूँ, मतलब मैं आपके दिल में नहीं हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी में भी नहीं हूँ, मुझसे तो प्यार ही नहीं करते हो। तो सनू रहती है वो हंसने लग जाती है। तो प्रीत कहते हाँ इसमें बहुत है ना हंसने वाली बातें, इतनी हंसी आ रही है तुम्हें? तो सनू कहती यार अभी क्या है ना तुम्हारी तस्वीर को लगा नहीं सकती मैं यहाँ पे। तो प्रीत कहती हाँ हाँ पता नहीं फिर कब लगाओगी यहाँ पे? तो सनू कहती अरे बहुत जल्दी लगा दूंगी बस, ठीक है अब मुझे ये सुनाना बंद करोगी तुम? अभी तुम बस 2 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाओ, मुझे किसी का इंटरव्यू लेना है। तो प्रीत कहती है कि यार इंटरव्यू लेना है तब तो मुझे बाहर जाना होगा। तो सनू कहती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं आ रही है क्योंकि इंटरव्यू मुझे फ़ोन पे लेना है ऑनलाइन, जो मेंबर है वो यहाँ का नहीं है, ठीक है तुम बस चुप रहना। तो प्रीत कहती है ओके। सो उसके बाद सनू होती है वो सामने किसी का इंटरव्यू ले रही होती है और जो प्रीत होती है वो बस इनकी बातें सुन रही होती है, उसका बहुत अच्छा टाइम पास हो रहा होता है वहाँ पर। और उसी इंटरव्यू के दौरान जो मेंबर होता है वो इंटरव्यू को तो क्लियर कर लेता है, वो कुछ बातें कर रहा होता है अपने सैलरी पैकेज वगैरह को लेकर के। और जैसे ही उसका कॉल कट होता है प्रीत जो होती है वो सन को देखने लग जाती है। तो सन कहती क्या है? तो प्रीत कहती है अब मैं तो बस यही सोच रही हूँ मुझे कितना मिलेगा। तो सन कहती क्या मतलब? तो प्रीत कहती है अरे सोच रही हूँ मैं भी एक इंटरव्यू दे दूँ क्या आपको, बताओ मुझे मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? तो सन कहती ये तो डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरव्यू के ऊपर और इस पर भी कि तुम अप्लाई किसके लिए कर रही हो। तो प्रीत जो होती है वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और सन के सामने आके उसके दोनों शोल्डर्स पे हाथ रख लेती है, उसके बाद उसकी एक गाल पे किस करती है और फिर सेकंड वाले पे। तो सन अपनी आँखें बंद कर लेती है और प्रीत जो होती है वो उसके लिप्स पे एक हल्के से किस करती है और पीछे होती है। तो सन अपनी आँखें खुलते हुए क्या प्रीत उसे कहती है कि मैं जिसके लिए अप्लाई करना चाहती हूँ वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर की जॉब है, मिलेगी क्या? तो सानू के चेहरे पे एक और स्माइल आ जाती है, कहती है अच्छा इसके लिए अप्लाई करना चाहती हो? तो प्रीत बोलती है और नहीं तो क्या, बताओ कितनी सैलरी दोगे? तो सानू होती है वो हंसी के मारे अपना चेहरा उधर दूसरी से रुक कर लेती है। तो प्रीत कहती है ओहे इधर 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 देख के कहो कितनी मिलेगी? तो सानू होती है वो खड़ी जाती है और प्रीत को अपनी बाहों में लेते हुए जितनी तुम कहो, मैं तो ये कहती हूँ कि मेरा तो सब कुछ भी तुम्हारा है, पर तब भी इतनी हाई पेमेंट मुझसे हो नहीं पाएगी अगर मैं सब कुछ भी दे दूँ तो। तो प्रीत कहती क्या? तो सनी कहती अरे मतलब कि मेरा सब मैं तुम्हें दे दूँ तब भी वो कीमत पूरी नहीं हो सकती है, भला प्यार की भी कोई कीमत लगा सकता है क्या? तो प्रीत जो होती है वो सनी को गले लगाती है और सनी भी उसे, लेकिन उसके बाद वो प्रीत से कहती है कि अरे छोड़ो यार ये हमारा घर नहीं है। तो प्रीत कहती है हाँ आई नो दैट, लेकिन सिर्फ बाकी तो कर रखा है, नॉर्मली भी तो कोई इंसान किसी को कर सकता है ना। तो सन कहती है हाँ लेकिन समझा करो और ऐसी बातें तुम यहाँ मत करो प्लीज़। तो प्रीत कहती है हाँ अरे वो तो बस आप बात कर रहे थे इस वजह से मेरे दिमाग में वो ख्याल आ गया, वरना कहाँ ऐसी बातें मेरे दिमाग में चलने वाली है। खैर अभी जाने की इजाज़त दे दो यार, जाना है, 1 घंटा पता नहीं कब पूरा हो गया तुम्हारे साथ। तो सन कहती है ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, आई मीन टू से मतलब हक करके थोड़ा सा दूर होते हैं। और उसके बाद प्रीत जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। और गाइस सभी क्या ना बाद में मिलेंगे, एक तो तुम बैकग्राउंड से परेशान हो रही हो, ऊपर से ये बैकग्राउंड की वजह से वीडियो को भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, क्या ना माइंड बार बार सी में डाइवर्ट हो रहा है और तुम लोगों को भी बैकग्राउंड की वजह से सुनने में मज़ा नहीं आएगा। तो इतना ही रख लेते हैं, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय।